स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, वेरी गुड. सो वेलकम अगेन टू अवर क्लास. इन टूडेज क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न? न्यू चैप्टर, यस, विच इज चैप्टर नंबर 14 एट पेज नंबर 22. द नेम ऑफ अवर चैप्टर इज वेयर वी प्रे. We go to the different religious places for worship. Look at the pictures and write who worships at which place. The given clues will help you. इस वाले चैप्टर में हमें क्या लिखना है पता है कि हम लोग कहाँ पे प्रेयर करने जाते हैं, हम लोग कहाँ पे वर्शिप करने जाते हैं, हम लोग सब अपने अपने गॉड की पूजा करने जाते हैं, राइट? हिंदूज है वो टेम्पल्स में जाते हैं, फिर मुस्लिम लोग है वो मस्जिद मतलब मॉस्क में जाते हैं, फिर क्रिश्चियन है वो चर्च में जाते हैं. ओके, सो वैसे ही आपको इधर ऐसी जो वर्शिपिंग प्लेस है उसकी पिक्चर दी गई है और आपको नीचे लिखना है कि कौन से रिलीजन के लोग कहाँ पे जाते हैं प्रे करने. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. Number one is the picture of mosque. Mosque is a place of worship for Muslims. कौन यहाँ पे जाता है प्रेयर करने? Muslims. The mosques are the heart of Islamic life. जो Islamic people होते हैं उनका ये heart है, उनका जो holiest month है ना रमदान महीना. अगर आपने सुना होगा रमदान, yes, वो लोग इधर worshiping करने आते हैं, God की पूजा करने आते हैं. ओके, सो हु वर्शिप्स एट मॉस्क? मुस्लिम्स. राइट डाउन हियर मुस्लिम्स, एम यू एस एल आई एम एस, मुस्लिम्स. हु वर्शिप्स एट मॉस्क? मुस्लिम्स. वेरी गुड. नाउ नंबर टू, पैगोडा. पैगोडा स्ट्रक्चर डिराइव्स द स्तूपा. स्तूपा डोम शेप मॉन्यूमेंट. दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो सिंबलाइजेस माउंटेन. ये जो माउंटेन शेप का जो डोम है मतलब ऐसा जो सेमी सर्कल है उसे हम क्या बोलते हैं? पैगोडा. क्या बोलते हैं? पैगोडा. यहाँ पे कौन से रिलीजन के लोग आते हैं आपको पता है? बुद्धिस्ट रिलीजन के. पैगोडा इज अ वर्शिपिंग प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट पीपल. सो राइट डाउन हियर बुद्धिस्ट, B U double D H I S T S, Buddhist. Who worships at pagoda? Buddhist. Very good. Now number three, temple. The worshipping place of Hindus are known as temple. Worshipping place of which religion? हिंदू. यहाँ पे कौन से रिलीजन के लोग आते हैं वर्शिप करने? हिंदू. एच आई एन डी यू, हिंदू. ओके, लिखा सबने? नाउ नंबर फोर, सिनेग. क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं इसे? सिनेग. सिनेग मतलब अ प्लेस वेयर ज्यूज, ज्यूज पीपल है, ज्यूज कम हियर टू वर्शिप. ज्यूज मतलब वो फ्रूट का जूस नहीं है, ज्यूज मतलब एक रिलीजन का नेम है. जैसे हम लोग हिंदू है वैसे ज्यूज पीपल, जे ई डब्ल्यू एस, ज्यूज हैव अ लॉन्ग मतलब सेनेग हैव अ लार्ज प्लेस टू वर्शिप, समटाइम्स स्मॉल रूम्स एंड ऑफिस टू स्टडी. इसमें छोटे छोटे रूम है जहाँ पे ये लोग अपनी रिलीजन का स्टडी करते हैं, ये लोग पढ़ाई करते हैं अपने रिलीजन के. एंड दे हैव ऑल्सो ऑफिसेस, यहाँ पे ऑफिस भी है स्टडी करने के लिए. ओके, कौन से पीपल यहाँ पे आते हैं वर्शिपिंग करने? ज्यूज, जे ई डब्ल्यू एस, ज्यूज. ओके, नेक्स्ट इज नंबर फाइव, गुरुद्वारा. व्हाट इज दिस? गुरुद्वारा. गुरुद्वारा इज द प्लेस वेयर सिक्स वर्शिप. सिख पीपल है जो यहाँ पे वर्शिपिंग करने आते हैं. हु कम्स टू वर्शिप हियर? सिख. सो राइट डाउन हियर सिख, एस आई के एच
S 6. Okay. Now number 6. Church. What is this? Church. आप लोग कभी गए हो चर्च में? Very good. A building where Christians go to pray and the Christian people are wholeheartedly welcome to worship here. यहाँ पे जो है Christian people आते हैं worshiping करने. कौन आता है इधर? Christian peoples. Okay, so write down here Christians. C H R I S T I A N S. Christians. ओके आप सब लोग लिख रहे हो. वेरी गुड. लास्ट वन इज नंबर 7. फायर टेम्पल. वॉट इज दिस? फायर टेम्पल. फायर टेम्पल इज अ प्लेस वेर पारसीज एंड हिंदूज बोथ पीपल वर्शिप हियर. दिस इज अ टेम्पल विच इज वर्शिप्ड बाय बोथ द रिलीजन हिंदूज एंड पारसीज. ओके सो राइट डाउन हियर Parsis, P-A-R-S-I-S. Now come to the next page. Page number 23, lesson number 15. The name of our chapter is 5 Red Apples. रीड एंड काउंट. आपको सिर्फ काउंट ही करना है. आप सबको आता है ना काउंटिंग? मैथ्स में किया है ना आपने? ओके चलो स्टार्ट करो. कितने एप्पल्स है ये? 1, 2, 3, 4, 5. वन एप्पल फॉर द रेट. मतलब इसमें से हमें वन एप्पल किसको देना है? रेट को. सो 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 माइनस 1. अभी कितने एप्पल बचे? 1, 2, 3 and 4. सो राइट डाउन हियर 4. ओके नाउ नंबर 2. वन एप्पल फॉर द क्रो. अभी कितने एप्पल है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4. उसमें से हमें वन एप्पल किसको देना है? क्रो को. So now how many apples are remaining? 1, 2 and 3. So write down here 3. Now next. One apple for the horse. 3 minus 1 कितने होते हैं? 1, 2, 3. 3 minus 1. और एक apple निकाल लो. चलो अभी कितने apples बचे? 1 and 2. So write down here 2. Now last one. One apple for the girl. 2 minus 1 1. Very good. Complete कर लिया सबने? Okay. अगर नहीं किया है तो complete कर लेना. ठीक है. Now we will meet in our next video. Bye. Take care.